दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल डेलीगेसी के तत्वाधान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को चौथे चरण में बैडमिंटन के खेल का शुभारंभ हुआ। 8 मार्च तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता में कुलपति द्वारा विजेता को गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। शुभारंभ के दौरान अध्यापक और छात्रों ने एक साथ मिलकर बैडमिंटन का खेल का आनंद उठाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव, मैं डेलीगेसी का उपाध्यक्ष हूँ। आज ये सेंट्रल जोन डेलीगेसी के तत्वाधान में आयोजित होने वाले जो 11 दिवसीय खेल चल रहे हैं, आज चौथे चरण में बैडमिंटन का खेल का शुभारंभ हो रहा है। आप देखिए खेल चल रहा है और इसमें 120 करीब बच्चे हैं और 90 के करीब छात्राएँ हैं। कब तक चलेगा ये? आज और कल 2 दिन चलेगा। 2 दिन में कल फाइनल हो जाएगा। 3 लोग जो पुरस्कृत किए जाएंगे बाद में माननीय कुलपति द्वारा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। ये हमारे डेलीगेसी का कार्यक्रम अभी 8 मार्च तक चलता रहेगा। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएँ होंगी और उन प्रतियोगिताओं में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको माननीय कुलपति, जो हमारे इसके संरक्षक हैं और अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा गोल्ड मेडल और पुरस्कृत किया जाना है।